बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके से है, जहां हंगामा हुआ है। दो समुदाय के बीच यहां जमकर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि वेलकम के फोटो चौक इलाके में ये विवाद बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ, जिसके बाद दो समुदायों में पत्थरबाजी तक हो गई। हालात को देखते हुए पुलिस ने वेलकम में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके से खबर है, जहां पहले झगड़ा बच्चों के बीच हुआ और इस झगड़ा इतना बढ़ गया कि यहां पर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी संजय कुमार सैनी के मुताबिक ये पूरा विवाद एक पार्क में बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ था और 20 लोगों को फिलहाल पुलिस हिरासत में ले लिया है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वहां निकल कर आया कि यह बच्चों के बीच में पार्क में खेलते हुए झगड़ा हुआ, वही एक बड़े झगड़े के रूप में तब्दील हुआ। जबकि संख्या में ऐसा नहीं है कि वहाँ जो सारे लोग थे वो झगड़े में शामिल थे। यह भी निकल कर आया कि लोगों ने बहुत अच्छा रोल निभाया, बड़े लोगों ने उनको पैसिफाई किया, समझाया, और संख्या उनकी और पुलिस बल की संख्या ज़्यादा होने के कारण भी रिपीटेड कॉल्स लगी। लोगों को ये लगा कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं था। ये पार्क में खेलते हुए बच्चों के बीच में झगड़ा था और ऐसे कई लड़कों को, ट्रबल मेकर्स जो रहे, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और राउंड अप कर लिया। 20 के लगभग हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं अभी, और कुछ ट्रबल मेकर्स को हिरासत में भी ले लिया गया है और कुछ की तलाश अभी जारी है। तो दिल्ली के वेलकम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी। दिव्यांकर, बच्चों का झगड़ा इतना बड़ा कैसे हो गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई? जी बिल्कुल, मैं अभी यहाँ थाने के सामने मौजूद हूँ और जो यहाँ पे परिवार वाले हैं, जो आपको सबसे पहले बड़ी बात ये बता दूँ कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक चार ब्लॉक है, एक्स, वाई, जेड और डब्लू, तो इन चार के बीचों बीच पार्क है और इस पार्क में ही ये सारा बवाल हुआ। जो दो समुदाय के बीच जो बात कही जा रही है पुलिस के द्वारा कि वो लड़ाई हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत टेंशन हो गया, लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरह स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और जो लोग, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उसको इसी थाने में रखा गया है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य को पुलिस ने यहाँ पर अपने हिरासत में लिया है। आपका क्या नाम है? भगवती। आपके किसको यहाँ पर पुलिस ने उठा के लेके आई? होता है। कितने साल का है? 18 का। कितने बजे लेके आई पुलिस? 11 बजे। और अभी क्या अब अंदर आई थी आप, आधार कार्ड लेके आप जा रही थी, तो आधार कार्ड क्या अभी जमा करवाया गया है? अभी मैंने करका ही जमा। हाँ, और घर के आगे उठाया। और क्या बोल रही पुलिस अंदर आपसे बात हुई? हाँ, भगा रही, जाओ जाओ भगा रही। हाँ, कुछ और लोग ही में है, उनके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी अंजू। आप कितने बजे की घटना है, कब पुलिस आपके परिवार के सदस्य को यहाँ पर लेके आई थी? ऐसे को 11:15 के बीच में, तो वो तभी अपनी फैक्ट्री से आए थे और उन्हें तो कुछ पता भी नहीं कि दंगा हुआ है या नहीं हुआ है, किसके बीच में हुआ है, क्या वजह है क्या नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। मैंने ही आन के उनको बताया कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा है। उन्होंने, पुलिस पूरी फोर्स आई हुई थी, एक्चुअल बात ना हमें पता, हम अपने घर में अकेले रहने, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं पूरे घर में अकेले दोनों, और नीचे के नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, उनको नीचे आते ही फौरन आवाज़ लगाते ही उनको, वो ऐसे कि मैं मोबाइल तो ऊपर है, आप कहाँ के, बस आपको बात करके, आपसे पूछ गछ करके छोड़ देंगे, आप आ जाओ। उन्होंने और तब से 11:15 से आज सुबह हम 6:15 से यहाँ पे खड़े हुए हैं, आई कार्ड अपना लेके। उन्होंने बताया कि आई कार्ड के अब भी कह रहे हैं कि हम पुलिस का काम है, हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते, ये कोई इतना काम ऐसा नहीं है कि ये हम तुम्हारे कहने से करें और छोड़ देंगे। अभी हमें पता नहीं है कितना टाइम लगेगा कितना नहीं है। हमने आधार कार्ड के ओरिजिनल जमा करा दी है, कॉपी भी नहीं है, ओरिजिनल उनके पास है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहने सुनने को राजी, कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रही, नहीं सुनवाई नहीं है कुछ भी, किसी की सुनवाई नहीं कि आप जाओ बाहर बैठो बैठो, नहीं आपका कोई काम नहीं है, जाओ आप, हमने आधार कार्ड ले लिया आपका। आपके आसपास के कितने लोगों को पुलिस वालों ने मतलब की हिरासत में लिया, कुछ इसके बारे में जानकारी है आपको? सारी गली के जितने ही मोहल्ले में जितने भी जो जेंट्स है, जो और डंडे बजा के दरवाजे खटखटाए खूब, जैसे पता नहीं क्या हुआ, हमने ही दंगा कर दिया, ये हमने, जो जिसको नहीं भी पता, ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसको नहीं भी पता और उन्हें भी उठा के ले जाएं, जो आदमी फैक्ट्री से आ रहा है अपने काम से आ रहा है तो उसे भी लेके चले जाएं, तो आदमी पूछगछ कर रहा है तो कोई और बात भी है। आसपास पड़ोस में बता रहे हैं कि इनने करा, और इनके हमारे सामने ये लोग रहते हैं, इनके मियां, इनके हस्बैंड बचा रहे हैं सबको, जो आ रहे हैं, जो चीखों पुकार कर रहे हैं, जो हाथ में ईंटे वो बचा रहे हैं, तो उन्हीं को लेकर चले और उन्हीं को मार रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, उन्हें आप ऐसा कह रहे हैं क्या? हाँ, जिनको बचाया, जिन्होंने बचाया, इनके हस्बैंड हैं,
हमारे सामने हम खिड़की में से देख रहे हैं, वो सबको भगा रहे हैं सबको कि जाओ जाओ जाओ, कितना दंगा क्यों कर रहे हो, क्यों उनके लग भी गई चोट और उन्हीं को खूब सुना है कि उन्हीं को ही पीट रहे हैं खूब अंदर। किस ब्लॉक में रहती हैं आप? ब्लॉक में। तो दिव्यांकर देखा आपने? जी दिव्यांकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।